दोस्तों इस मैजिक्स एप्लीकेशन से थोड़ा सावधान रहो। आपने रूट कर लिया अपने फ़ोन को, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपने अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना तो आपका फ़ोन भाग गया, बूट लूप में फंस जाएगा आपका फ़ोन। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो मेरा फ़ोन रीसेट हो गया, मेरा फ़ोन बूट लूप में फंस गया था एंड मेरा जो फ़ोन है उसका सारा डेटा वगैरह डिलीट हो गया, मेरे को अपने फ़ोन को रीसेट करना पड़ा, इसलिए मेरा फ़ोन अभी चालू हो पाया है। जब आप अपने फ़ोन को रूट कर लोगे मैजिक से तो क्या होगा, आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा तो एंड आपके फ़ोन का जो पूरा सिस्टम है वो रूट हो जाएगा, यानी सिस्टम पूरा रूट हो जाएगा, यानी सिस्टम के एप्लीकेशंस वगैरह उनको पता चल जाएगा कि आपने अपने फ़ोन को रूट किया है। तो आप क्या कर पाओगे, आपके स्मार्टफोन में जो पेमेंट एप्लीकेशन होते हैं वो काम नहीं करने वाला, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो ये जो पेमेंट एप्लीकेशन है वो काम नहीं करने वाला क्योंकि रूटेड डिवाइस में ये काम नहीं करता। लेकिन मैजिक्स के अंदर एक ऐसा फ्यूचर है जिसको इनेबल करने के बाद वो काम करता है, यानी आप जब अपने स्मार्टफोन को रूट कर लोगे तो आपके फोन का जो सेफ्टी नेट होता है वो फील्ड हो जाता है, सेफ्टी नेट पास नहीं होता, फील्ड हो जाता है। मैजिक्स इस सेफ्टी नेट को फिक्स कर देते, कैसे, तो आप जैसे रूट करते हो अपने फोन को तो आपके फोन का जो पूरा सिस्टम होता है रूट होता है, लेकिन मैजिक्स के अंदर वो जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल करने से आपके जो फोन का सिस्टम होता है वो अनरूट हो जाता है, यानी आपके फोन के सिस्टम को पता नहीं चलता है कि आपने अपने फोन को रूट किया है। तो क्या है वो फ्यूचर मैं आपको बताता हूं। ये जो फ्यूचर है, पहले जो मैजिक्स के 26 पॉइंट वर्जन आते थे उसमें वो टोटली अच्छे से काम करता था, लेकिन अभी जो ये मैजिक्स का वर्जन है वर्जन 27.0 है। तो जिस फीचर को मैंने जैसे इनेबल किया, मैंने अपने फ़ोन को रिबूट किया तो मेरा फ़ोन जो बूट लूप में फंस गया था, खुल ही नहीं रहा था। तो मेरे को कैसे भी करके भाई पावर बटन, वॉल्यूम बटन वगैरह प्रेस करके अपने फ़ोन की जो स्टॉक रिकवरी होती है ना, मैंने उस पर बूट किया अपने फ़ोन को एंड फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट मारा मैंने वहीं से एंड मेरा फ़ोन जो अभी चालू हो पाया। क्या है वो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। मैजिक्स को जैसे आप ओपन करोगे यानी आप सेटिंग्स पे जाओगे, जाने के बाद देखो यहाँ पे शो होगा जाइजिस, तो ये था वो ऑप्शन। तो यहाँ पे शो होगा रिबूट टू अप्लाई चेंजेस, ऑप्शन को इनेबल करने के बाद ये दो फीचर को आप यूज ले पाओगे। तो मैंने क्या किया, आपने जाजिक्स को इनेबल करने के बाद अपने फोन को रिबूट किया, पहले भी मैंने ये सब किया था तो जाजिक्स मेरे फोन में अच्छे से काम कर रहा था। जैसे मैंने इनेबल करके अपने फोन को रिबूट किया, मेरा फोन जो है बूट लूप में फंस गया था। मैजिक्स वर्जन 27.0 में जाजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो गलती से भी आप ऐसा मत करो। अगर ऐसा करते हो तो आपका फोन अगर बूट लूप में फंस जाता है तो आपको कैसे भी करके अपने फोन का जो पावर वॉल्यूम बटन वगैरह प्रेस करके रिकवरी मोड पे लेके, फिर फैक्ट्री रीसेट देके, या फिर फास्ट बूट मोड या फिर बूट लोडर मोड पे लेके आपको जो मैजिक्स के पैच को फिर से फ्लैश वगैरह करना पड़ता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको रूटेड डिवाइस में पेमेंट एप्लीकेशन को चलाना होता है, लेकिन पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि रूटेड और अनरूटेड डिवाइस में ढंग से काम करता है, वो है अमेज़न पे। आप रूट करो फिर भी अमेज़न पे आपका ढंग से चल जाएगा। तो मैं अमेज़न पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो चैट GPT है वो काम नहीं करता, इसलिए मैंने फिर से कोशिश की मैं जाजिक्स को इनेबल करके फ़ोन को रिबूट करूँ, तो मेरा फ़ोन बूट लूप में फंस चुका है। ऐसा दो बार हुआ, जब मैंने रूट किया था तभी मैंने जाजिक्स को इनेबल किया था तब बूट लूप में फंसा था। तो मैंने फिर से एक बार ये ट्राई किया अभी मैंने बैठ के, तो मेरा फिर से वही हाल हुआ, फ़ोन का सारा डेटा वगैरह सब कुछ डिलीट हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ जाजिक्स को इनेबल करने से पहले आप दो बार सोच लेना कि आपका फ़ोन बूट लूप में फंसेगा या नहीं।